हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी। जैसे कि पिछली वीडियो में हम लोगों ने बातें की थी होमोलॉगस सीरीज के बारे में, ठीक है दोस्तों। पिछली वीडियो में हम लोग बातें की थी होमोलॉगस सीरीज क्या होते हैं और उसमें हम लोग होमोलॉगस सीरीज को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। अगर हमें क्वेश्चन मिला हो तो हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि ये होमोलॉगस होंगे आपस में, ठीक है दोस्तों। इसके बारे में हम लोगों ने पिछली वीडियो में बातें की थी, हम लोगों ने थ्योरी बताया था, ठीक है। हमने थ्योरी बताया था आपको और इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन करेंगे, होमोलॉगस सीरीज का एक क्वेश्चन करेंगे ताकि हम लोग को क्लियर हो जाए कि होमोलॉगस सीरीज कैसे हम लोग छांटते हैं, कैसे निकालते हैं, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है, विच पेयर आर होमोलॉगस, आपसे पूछ रहा है विच पेयर आर होमोलॉगस। तो हमें होमोलॉगस सीरीज हमने पढ़ी है, तो होमोलॉगस सीरीज हमें छांटना है कि इन दोनों में कौन कौन सा पेयर ऐसा है इन चारों ऑप्शंस में से जो आपस में होमोलॉगस है। तो जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया होगा, जरूर बताया है मैंने, बताया है मुझे पूरी उम्मीद है और मैं खुद पे कॉन्फिडेंस हूँ कि मैंने बताया है दोस्तों, ठीक है। तो जैसे हमने पिछली वीडियो में बातें की थी कि होमोलॉगस सीरीज क्या होते हैं, जिसमें केवल CH2 का डिफरेंस होता है, CH2 मॉलिक्यूलर वेट इसका मैंने आपको बताया था, 14 और भी बातें बताई थी। अगर आपने नई वीडियो देखी है उस वीडियो को तो जाके देखिए, उसमें एल्केन और एल्काइन और एल्कोहल ईथर के इन सब के बारे में बताया था। तो इस वीडियो में हम लोग बताते हैं कि होमोलॉगस सीरीज वो होते हैं जिसमें CH2 का डिफरेंस होता है, ठीक है। तो इसमें हम लोग देखेंगे किसमें CH2 का डिफरेंस है, ठीक है। ऑप्शन तो एक ही करेक्ट है, लेकिन मैं आपको चारों ऑप्शन सॉल्व करके बताऊंगा कि कैसे निकालते हैं, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, पहचानते कैसे हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसमें हम लोग कार्बन के पहले काउंट करते हैं, हमें CH2 का डिफरेंस चाहिए, ये जरूर ध्यान में रखिए, हमें CH2 का डिफरेंस चाहिए, ठीक है। तो इसमें कार्बन काउंट करते हैं, 1 कार्बन, ये जहां जहां पे कोने में होते हैं ये कार्बन होते हैं। अगर आपको ये क्लियर ना हो तो आप लोग कमेंट करिएगा, मैं आपको एक दूसरी वीडियो, एक अलग वीडियो बना के बताऊंगा कि कहां कैसे कैसे कार्बन को डिनोट किया जाता है, ठीक है। तो जहां जहां पे कोने हैं वहां पे कार्बन है, ठीक है। ये देखिए, जैसे यहां पे एक कार्बन है, यहाँ पे दूसरा कार्बन है, यहाँ पे तीसरा कार्बन है। अब ये कार्बन नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे एक ग्रुप लगा हुआ है, फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है। 1, 2, 3 कार्बन हो गए, इसमें कार्बन देखते हैं, 1, 2, 3, 4, 4 कार्बन इसमें हो गए, इसमें 3 कार्बन हो गए, दोनों में डिफरेंस कितना आया, 1 कार्बन का, ठीक है। अब हाइड्रोजन देखते हैं, हमें CH2 ही देखना है, H2 CH2, ठीक है। अब देखते हैं हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन है ही नहीं। अब बताइए यहाँ पे केवल कार्बन का डिफरेंस है, तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया, ये आपका ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है। अब सेकेंड ऑप्शन देखते हैं, C5H10 6, यहाँ पे तो डायरेक्ट डायरेक्ट लिखा हुआ है, C5 और C6 में कितने का डिफरेंस है, CH। अब यहाँ पे C10 H10 है और H14 है, यहाँ पे CH4, 14 - 10 = 4, CH4 का डिफरेंस है। तो CH4 का डिफरेंस हमें चाहिए नहीं, हमें तो चाहिए CH2 का डिफरेंस चाहिए, हमें तो CH2 का, तो ये भी गलत हो गया। आइए तब थर्ड ऑप्शन पे देखते हैं, इसमें इस कार्बन का नंबर देखते हैं, ठीक है दोस्तों। पहले कार्बन का नंबर देखते हैं, 1 कार्बन 2 कार्बन, 2 कार्बन है इसमें, देखिए 1, 2, 3 कार्बन है, ठीक है, 3 कार्बन है इसमें, 3 कार्बन, इसमें 1 कार्बन, इसमें इसमें 2 कार्बन, इसमें 3 कार्बन, 3 - 2 = कितना आ गया आपका, 1 कार्बन का डिफरेंस आ गया, 1 कार्बन आ गया, ठीक है, कार्बन की संख्या 1 आ गई। अब हमें H2 चाहिए, 1 हाइड्रोजन, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, अरे सॉरी, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, 1 4, 4 हाइड्रोजन इधर इसमें है, ठीक है। इसमें देखते हैं, 3 हाइड्रोजन, ये 3 है, 3 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3, 2, 5 और 1, 6, 6 हाइड्रोजन, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन, और 6 में से अगर 4 घटाएंगे तो हमें 2 मिल जाएंगे, तो हाइड्रोजन की संख्या कितनी होगी, 2, हमें यहाँ पे CH2 का डिफरेंस मिल गया, ये ऑप्शन आपका करेक्ट है, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे छांटते हैं और मैं आपको फोर्थ ऑप्शन भी सॉल्व करके दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे देखिए, हमें कार्बन चाहिए, कार्बन और हमें CH2 ही देखना ही है, हमें CH2 का डिफरेंस जहाँ मिलेगा हम वही ऑप्शन मारेंगे, ठीक है। जैसा कि हम लोग का ऑप्शन थर्ड सही हो चुका है, लेकिन मैं आपको फोर्थ ऑप्शन भी दिखाता हूँ, 1 कार्बन 2 कार्बन, यहाँ पे 2 कार्बन है, 1 कार्बन 2 कार्बन, यहाँ पे 3 कार्बन, ठीक है, यहाँ पे 3 कार्बन है, यहाँ पे 2 कार्बन है, हमें एक डिफरेंस, 1 कार्बन मिल गया। अब यहाँ पे देखते हैं हाइड्रोजन हमें चाहिए, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 1 ही हाइड्रोजन है, 2 में से 1 गया, 1 हाइड्रोजन, तो यहाँ पे CH का डिफरेंस, तो ये भी ऑप्शन क्या हो गया आपका, रॉन्ग हो गया। तो ऐसे छांटते हैं होमोलॉगस सीरीज। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना यार, आपको केमिस्ट्री की लेटेस्ट वीडियो ट्रिक के साथ मिलेगी, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।